हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी मॉडल डिजाइन में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टूलिंग फिजिबिलिटी के बारे में है, इसको डीएफएम भी बोला जाता है। तो जो हमारे कस्टमर के इनपुट स्टडी के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टूलिंग फिजिबिलिटी का आता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो एक्चुअल में टूलिंग फिजिबिलिटी होती क्या है? टूलिंग फिजिबिलिटी एक रिपोर्ट होती है जिसमें हम मोल्ड जो हमारा जो कस्टमर ने जो कंपोनेंट प्रोवाइड किया है उसका एक ओवरऑल व्यू हम कस्टमर को शेयर करते हैं कि उसकी उसका जो लेआउट है वो लेआउट क्या रहेगा, उसकी गेट की लोकेशन क्या रहेगी, उसकी पार्टिंग कहाँ कहाँ विजिबल होंगी, उसकी इजेक्टर पिन की लोकेशन क्या रहेंगी। इसके अलावा भी जैसे कई बार क्या होता है, हमें कुछ पार्ट में मॉडिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है जो टूलिंग के हिसाब से जो चीज़ें फिजिबल नहीं होती, तो हम कस्टमर से चेंज भी मांगते हैं, तो हमें कस्टमर प्रोवाइड भी करता है चेंज करके, वो हमें फीडबैक देता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जब हम टूलिंग फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब कस्टमर को सबमिट करें तो हमारे कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द हमें उसका फीडबैक कस्टमर से हमें मिल जाए कि जो हमने जो लेआउट उसका जो रखा है या गेट की जो लोकेशन जो रखी दी है हमने टूलिंग फिजिबिलिटी में वो कस्टमर के हिसाब से ओके है या नहीं। अगर हम क्या होता है कि टूलिंग फिजिबिलिटी बनाने के बाद हमने जो एक लेआउट जो कस्टमर को शेयर किए उस पर हम अपना डिजाइन स्टार्ट कर लेते हैं, तो अगर हमें कस्टमर जल्दी से जल्दी उसका इनपुट फीडबैक प्रोवाइड कर देता है तो अगर सब कुछ ओके है तो कोई इश्यू नहीं, हमारे डिजाइन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कस्टमर गेट की लोकेशन चेंज करवा सकता है या कुछ और चेंज करवा देता है, तो उस केस में हमें क्या है अपना जो डिजाइन है दोबारा से कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कस्टमर हमें बहुत लेट उसका एक फीडबैक देगा तो तब तक क्या होता है कि हमारा जो टाइम जो हमने डिजाइन पर लगा रखा है और उसमें अगर कुछ चेंज आता है तो उसमें हमें चेंज करने में फिर से दोबारा बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो हम टाइम बचाने के लिए कोशिश करते हैं कि कस्टमर हमें जल्दी से जल्दी उसका हमें अप्रूवल दे दें। तो चलिए देखते हैं कि हम जो टूलिंग फिजिबिलिटी जो हमारी रिपोर्ट होती है उसमें हम क्या क्या शो करते हैं। दोस्तों, ये हमारी टूलिंग फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, तो इसमें हमने आपके राइट हैंड साइड हमने यहाँ डेट मेंशन की हुई है। एक्चुअल में टूलिंग फिजिबिलिटी रिपोर्ट के जो फॉर्मेट है वो हर एक कंपनी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो सभी कंपनियों में लगभग सेम रहती हैं। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे पार्ट का हमारा जो हम शुरू में जो जो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे वो प्रोजेक्ट जो डिटेल है उसके बारे में प्रोवाइड करेंगे कि जो हमें कस्टमर ने जो प्रोजेक्ट हमें जो दिया है पार्ट डिजाइन करने के लिए उसका पार्ट का नंबर क्या नेम क्या रहेगा। तो नेम हमारा पार्ट का नेम हमने यहाँ हाउसिंग लिख दिया है। उसके बाद अगर कस्टमर ने पार्ट का नंबर प्रोवाइड किया हुआ है तो उसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। प्रोजेक्ट नेम की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उसको हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। उसका जो हमारा कस्टमर है उसका एंड कस्टमर क्या रहेगा उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको भी हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ। फिर हम नीचे जो पार्ट इमेज है तो इसमें हम पार्ट की इमेज शो करते हैं जो हमें कस्टमर ने प्रोवाइड की हुई है। तो ये हमने एक ये कैविटी साइड का पोर्शन को हमने लगाया हुआ है इमेज में, और दूसरी पिक्चर में हमने जो कोर साइड है उसकी इमेज को हमने दिखाया हुआ है। अब ये नेक्स्ट जो आता है इसमें हम बहुत सारी चीजें जो हमारे जरूरत होती है उनको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पार्ट मटेरियल हमारा क्या रहेगा, यानी कि जो हमारा जो किस प्लास्टिक मटेरियल में हमारा ये पार्ट बनेगा तो उसका जो प्लास्टिक मटेरियल है वो क्या रहेगा, वो पीवीटी प्लस पीसी रहेगा। मोल्ड टाइप क्या रहेगा, तो मोल्ड टाइप हमारा जो है वो टू प्लेट मोल्ड है। ये चीजें हमें कस्टमर जो के जो इनपुट्स आते हैं उसमें हमें कस्टमर ये प्रोवाइड करता है कि हमें ये टू प्लेट मोल्ड चाहिए और थ्री प्लेट मोल्ड चाहिए, तो वह सब चीजें हमारे कस्टमर इनपुट्स में ये चीजें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो रनर टाइप क्या चाहिए, तो इसमें कोल्ड रनर हमने यहाँ शो किया हुआ, यानी कि जो कस्टमर ने जो हमें इनपुट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें उसने मेंशन किया हुआ है कि आपका जो रनर है आपको कोल्ड रनर रखना है। नंबर ऑफ कैविटी 2, ये भी कस्टमर इनपुट्स में हमें अवेलेबल है।
श्रिंकेज भी 1.4% उसने दी हुई है, तो ये भी हमें वहां से सब चीजें हमारे पास अवेलेबल है। जो चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती उसको हम प्लीज कंफर्म में लिख देते हैं। तो पार्ट साइज हमने यहाँ पार्ट साइज लिख दी है, ये हमारा 80 × 130 × 10 हमारा पार्ट साइज है। फिर हमने पार्ट का वेट मेजर किया है, वो 28 ग्राम है अप्रोक्स, हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि डेंसिटी डाल के हम पार्ट को मेजर करते हैं तो उसमें कई बार थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा वो शॉर्ट वेट, शॉर्ट वेट हमारा यहाँ हमने 62 ग्राम अप्रोक्स मेंशन किया हुआ है। यानी शॉर्ट वेट का मतलब क्या है, दो कैविटी का वेट प्लस जो हमारा जो कोल्ड रनर बनेगा उसका वेट मिला के हम शॉर्ट वेट निकालते हैं। उसके बाद कैविटी सरफेस फिनिश, ये कस्टमर ने हमें जो हमें इनपुट प्रोवाइड किए ये इन्फॉर्मेशन उसने हमें प्रोवाइड नहीं किए, तो हम यहाँ प्लीज कंफर्म लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब कस्टमर हमें इसका फीडबैक देगा तो वो यहाँ मेंशन करके देगा कि हमें कैविटी की सरफेस फिनिश क्या रखनी है। कोर की सरफेस फिनिशिंग भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हमने प्लीज कन्फर्म लिखा हुआ है। नंबर ऑफ स्लाइडर क्या रहेंगे पार्ट में, तो हमारे इस पार्ट में कोई भी स्लाइडर नहीं है तो इसलिए हम नोट अप्लीकेबल लिखेंगे। नंबर ऑफ लिफ्टर भी नोट अप्लीकेबल रहेगा क्योंकि इसमें कोई लिफ्टर भी नहीं है। कैविटी का स्टील क्या रहेगा, वो कस्टमर ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है कि आपको ओरवर सुप्रीम कंसिडर करना है कैविटी का स्टील। कोर का स्टील भी ओरवर सुप्रीम रहेगा। पार्ट वॉल थिकनेस ऑब्जर्वेशन, जो ये हम ऑब्जर्वेशन करके देखते हैं पार्ट पे, तो उसके लिए हम एक अलग से स्लाइड लिखते हैं, तो इसलिए हमने लिखा हुआ प्लीज रिव्यू स्लाइड नंबर 9, जो आपको नेक्स्ट आप जब हम स्लाइड नंबर 9 पे जाएंगे तब ये चीजें आपको इसके रिगार्डिंग सब चीजें वहाँ अवेलेबल रहेंगे। ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशन, तो इसके लिए भी हमने लिखा हुआ प्लीज रिव्यू स्लाइड नंबर 10, तो उसके भी आपको स्लाइड नंबर 10 पे आपको ड्राफ्ट और ऑब्जर्वेशन का पूरी डिटेल आपको वहाँ मिलेगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज है, तो टूल एक्सिस। तो टूल एक्सिस एक्चुअल में क्या होती है कि जिस टूल डोर डायरेक्शन में हमारा पार्ट इजेक्ट होता है उसको हम टूल एक्सिस बोलते हैं। तो हमने इसमें क्या है, जो कंपोनेंट का रेड फेस दिखाया हुआ है और उसके ऊपर एरो करके दिखाया हुआ है, तो ये हमारी टूल की एक्सिस रहेगी। और ये हमने नीचे कमेंट भी लिखा हुआ है, टूल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द रेड फेस। तो हमारी जो टूल एक्सिस रहेगी वो रेड फेस के परपेंडिकुलर रहेगी। इसके अलावा भी हमने एक पिक्चर और दिखाई हुई है जिसमें हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि हमारी कैविटी साइड कौन सी रहेगी और कोर साइड मेरी कौन सी रहेगी। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो मेरा कैविटी हाफ में बनेगा और जो मेरा नीचे वाला जो पोर्शन है वो कोर हाफ में बनेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाते हैं हमारा टूल का लेआउट क्या रहेगा, क्योंकि उसने हमें दो कैविटी मोल्ड बोला हुआ है, तो दो कैविटी मोल्ड के हिसाब से हम उसको कैसे प्लान करेंगे। ती हमने पिक्चर दिखाई हुई है दो कैविटी मोल्ड की, तो बीच में हमारा मोल्ड का सेंटर रहेगा, तो एक पार्ट हमने ऊपर प्लेस किया हुआ है सेंटर से, एक हमारे नीचे की तरफ है सेंटर से, तो ये हमारा दो कैविटी का लेआउट रहेगा। और ये हमारा मोल्ड का टॉप रहेगा। मोल्ड का टॉप का मतलब है जहां से जहां हम लिफ्टिंग बार लगाते हैं और मोल्ड को ऊपर उठाते हैं, तो उसका मोल्ड को टॉप बोला जाता है। उसके साथ में हमने यहाँ हमारे गेट की लोकेशन दिखाई हुई है कि गेट की लोकेशन क्या रहेगी पार्ट पे और वो गेट कौन सा रहेगा। तो अभी हमने जो टूलिंग फिजिबिलिटी में हम जो शो कर रहे हैं वो एज गेट हम शो कर रहे हैं। तो यहाँ हमने कमेंट लिखा हुआ है कि टूल लेआउट एज शोन अबो टू कैविटी मोल्ड विद कोल्ड रनर फॉलोड बाय एज गेट। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हमारा ओवरऑल एक जो टूल का लेआउट है वो रहेगा। तो हम जब हमारा जो डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो इसी टूल लेआउट पे हम डिजाइन अपना स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ कस्टमर इस लेआउट में चेंज करवाता है तो फिर हमें कस्टमर के चेंजेस के हिसाब से अपना डिजाइन चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखा रहे हैं पार्टिंग लाइन कि जब हम कोर एंड कैविटी बनाएंगे तो कहाँ कहाँ हमारे जो पार्ट पे पार्टिंग लाइन दिखेगी। तो ये हमने रेड लाइन से हमने इसको दिखाया हुआ है। तो ये जो नीचे वाली पोर्शन हमारी मेन पार्टिंग लाइन रहेगी, जो ऊपर के एक इलिप्स और जो सर्कल दिखाई दे रहा है तो वहाँ कैविटी साइड से हमारा पार्टिंग दिखेगी। और ये हमने रोटेट करके व्यू भी दिखाया हुआ है। तो इसमें लगभग हमें यानी कि पिक्चर ऐसी लगानी है कि ओवरऑल सारी जगह हमें पार्टिंग लाइन कस्टमर को विजिबल रहे कि कहाँ कहाँ हमारी पार्टिंग लाइन विजिबल होगी पार्ट पे।
और नीचे हमने कमेंट लिखा हुआ है कस्टमर के लिए, पार्टिंग लाइन शोन इन द रेड कार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड इजेक्शन, यानी कि पार्ट का इजेक्शन हम कैसे करेंगे। कि हमने हमारे पार्ट के ऊपर राउंड इजेक्टर पिने हमने कंसीडर की हुई है पार्ट को इजेक्ट करने के लिए फ्रॉम कोर साइड, और नीचे हमने कमेंट लिखा हुआ है इजेक्टर पिन शोन इन रेड कलर, इजेक्टर पिन पोजीशन में भी चेंज इन फाइनल डिजाइन। तो हमने ये भी मेंशन किया हुआ है कि फाइनल डिजाइन में हो सकता है थोड़ी बहुत इजेक्टर पिन की पोजीशन में भी चेंज हो सकती है, कई बार थोड़े पुलिंग निकालनी है, कुछ और निकालनी है, तो थोड़ा बहुत फाइनल डिजाइन में भी ये चेंज हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है वो थिकनेस एनालिसिस, जो हमने स्लाइड नंबर 2 पे दिखाया था कि हम इस स्लाइड पे हम अपना थिकनेस एनालिसिस दिखाएंगे। तो थिकनेस एनालिसिस में हम क्या है कि ये एक यूजी की कमांड होती है जिसमें हम दिखाते हैं कि हमारी जो ओवरऑल ये पार्ट की एक होल थिकनेस हमें यहाँ स्केल के थ्रू हमें दिखाता है। तो लगभग अभी येल्लो पार्ट है वो हमारा यहाँ हाईलाइट हो रहा है जो 2 mm की थिकनेस है, तो लगभग ये ओवरऑल जो हमारा पार्ट का जो थिकनेस है वो येलो कलर में शो कर रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो वॉल थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है, तो इसमें सिंक मार्क वगैरह आने की पॉसिबिलिटीज कम है। अगर कई बार क्या होता है कि कहीं कहीं हमारी जैसे अभी यहाँ जो वॉल थिकनेस है कॉम्पोनेंट की वो 2 mm है, तो उस हिसाब से अगर कई बार क्या होता है कहीं एक लोकल एरिया में या जहाँ हमारी वॉल थिकनेस ज्यादा हो जाती है तो वहाँ सिंक मार्क आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम फिर कस्टमर को हाईलाइट करते हैं कि सर यहाँ हमारे आपके कंपोनेंट पे वॉल थिकनेस ज्यादा बन रही है तो यहाँ सिंक मार आने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी। तो या तो वो एरिया वो कस्टमर हमें चेंज करके देगा, नहीं तो अगर सिंक मार्क आता है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो हम नीचे हमने लिखा भी हुआ है अबो स्केल शोन वॉल थिकनेस वेरिएशन यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस ऑब्जर्व देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सिंक मार्क। तो अगर हमारी ओवरऑल जो वॉल थिकनेस है अगर वो सेम रहेगी तो वहां सिंक मार्क आने की पॉसिबिलिटीज नहीं रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड ड्राफ्ट एनालिसिस। तो ये हम यहाँ एक यूजी में इसकी भी कमांड होती है जिसमें हम ड्राफ्ट एनालिसिस करके देख सकते हैं कि किस फेस पे क्या डिग्री ड्राफ्ट आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने -3 से +3 तक हमने लिया हुआ है, तो कोर कैविटी साइड को वो +3 degree में दिखा रहा है और कोर साइड को वो -3 degree में ड्राफ्ट हमने मेंशन किया हुआ है। तो इसमें जो 0 degree यहाँ जो मेंशन किया हुआ है तो 0 degree पे ग्रीन कलर है, तो 0 degree का मतलब है कि ग्रीन फेसेस पे कोई भी ड्राफ्ट नहीं है इस वाले फेसेस पे। तो हम नीचे कमेंट लिखेंगे कि अबो स्केल शो ड्राफ्ट एनालिसिस ऑन पिक्चर, फेस शोन इन ग्रीन कलर आर नॉट हैविंग ड्राफ्ट, प्लीज प्रोवाइड द पॉजिटिव ड्राफ्ट ऑन ग्रीन फेसेस। तो ये हमें फिर वो कस्टमर हमें इस पे फीडबैक देगा या फिर हमें वो पार्ट में थोड़ा बहुत चेंज करके देगा या फिर ऐसा ही बोल सकता है कि आप इतने डिग्री ड्राफ्ट अपने एंड पे इस पे डाल लीजिए। तो एक्चुअल में क्या होता है ड्राफ्ट बहुत जरूरी है पार्ट में, तो उससे क्या होता है एक तो पार्ट इजेक्ट इजिली होता है और कई बार स्क्रैच मार्क वगैरह पार्ट पे नहीं आते, तो ड्राफ्ट हमेशा मस्ट रहेगा टूलिंग के लिए। तो ये हमारी ओवरऑल ये टूलिंग फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जानकारी को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।